मैं रजत शर्मा, मैं एक नया शायर हूँ, ना कोई मंजा हुआ शायर हूँ, ना पुराना शायर हूँ, नया शायर हूँ, तो उसी हिसाब से ही दाद देना, ठीक है। तो एक शेर से शुरुआत करते हैं कि इस गम का जल्द ही मैं व्यापार कर दूंगा, इस गम का जल्द ही मैं व्यापार कर दूंगा, उससे मिलने से अब मैं इनकार कर दूंगा। वो रह जाएगी इस सौदे में फ़ायदे देखते हुए, वो रह जाएगी इस सौदे में फ़ायदे देखते हुए, इतने में तो मैं तैर के दरिया पार कर दूंगा। तो एक छोटी सी पोएम लिखी है, पता नहीं इसको गजल बोलते हैं पोएम बोलते हैं, मैं तो नया शायर हूँ, है ना। तो अपने बारे में इतने भ्रम क्यों पाल रखे हैं, अपने चाहने वाले भी तूने मुश्किल में डाल रखे हैं। अपने पे नाज करना तो अच्छी बात है, मगर अपनी गलती पे तूने मुझसे क्यों मलाल रखे हैं। और ये जो तेरा गरूर से सिर झुकता नहीं कहीं, और ये जो तेरा गरूर से सिर झुकता नहीं कहीं, खुद को खुदा समझने के ख्याल रखे हैं। और कल वक्त नहीं मिलेगा तुझे भी मिलने का, आज तूने जो मिलने के वक्त डाल रखे हैं। जवाबों के सिलसिलों में फंसोगे तुम एक दिन, अभी तो तुमने सिर्फ मुंह पे सवाल रखे हैं। और तुम कहते हो मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम कहते हो मुझसे मोहब्बत नहीं है, मेरे तोहफे क्यों तूने अब तक संभाल रखे हैं। और फिर कहते हैं कि ताबीब होता है डॉक्टर, है ना, तो इस ताबीब की जरूरत पड़ेगी तुझे जल्दी, इस ताबीब की जरूरत पड़ेगी तुझे जल्दी, डसेंगे तुझे ये सांप जो तूने आस्तीन में पाल रखे हैं। और अपने ईमान का हिसाब लेने के लिए बैठा हूं मैं अब तक, कि मतलब बंदा इंतजार करता है कि सब बढ़िया हो जाएगा लास्ट में, अपने ईमान का हिसाब लेने के लिए बैठा हूं मैं अब तक, और तुझे लगता है मैंने जंग में हथियार डाल रखे हैं। अब एक दो शेर सुनाऊंगा, मेरे को टाइम का होता नहीं, मैं थोड़ा सा लिख के लाता हूं, ज्यादा टाइम में नहीं मिलता। इस हिजर के वक्त ने देख क्या कर दिया, इस हिजर के वक्त ने देख क्या कर दिया, जो जो तुझे बोला था मैंने वो सब कर दिया। यूं तो बैठा हुआ था बेहिसी में कुछ देर से, बेहिसी होता इमोशनलेस है ना, यूं तो बैठा हुआ था बेहिसी में कुछ देर से, तेरी आने की बशारत ने मुझे खुश कर दिया।